भदोही में कार से 15 किलो नाजायज गांजा में असलहा बरामद। 4 आरोपित गिरफ्तार कर भेजे गए जेल। जिले में गांजा की तस्करी के मामले में ताजा कार्यवाही में 15 किलो गांजा बरामदगी की घटना सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। खबर भदोही संवाददाता एके फारूकी द्वारा की गई रिपोर्ट। जिले में लंबे समय से गांजा तस्करी के तमाम मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे में पुलिस के सामने तमाम चुनौतियां भी तस्कर सामने लाते रहे हैं। इसी कड़ी में बीती देर रात वाहनों की जांच के दौरान खमरिया चेतगंज मार्ग नाला पुलिया के पास से गांजा तस्करी करने वाले गिरोह के सरगना क्षेत्र के सीउर गांव निवासी विनोद चौबे के पुत्र सौरभ चौबे सहित अरुण तिवारी पुत्र स्वर्गीय अमरनाथ तिवारी निवासी ग्राम कोठरा मिश्रान थाना जिगना जनपद मिर्जापुर अनिल बाल्मीकि पुत्र रविन्द्र उर्फ रमेंद्र लाल निवासी मिल्की थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही ऋतिक उपाध्याय पुत्र रितेश उर्फ दिनेश उपाध्याय निवासी ग्राम बारीबीसा थाना गोपीगंज जनपद भदोही के कब्जे से द्विज वाहन संख्या यूपी 66 OB 80 से 85 की डिग्गी में रखा हुआ 15 किलो नाजायज गांजा कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए नगद गांजा बिक्री का 1,52,000 तथा एक अदद पिस्टल में 4 जिंदा कारतूस बरामद किया है। अंतर जनपदीय गांजा तस्करों की गिरफ्तारी में प्रभारी निरीक्षक औराई गगनराज सिंह उप निरीक्षक दिनेश कुमार चौकी प्रभारी खमरिया हेड कांस्टेबल गुफरान अहमद कांस्टेबल अनूप कुमार कांस्टेबल कमलेश पाल कांस्टेबल अनुज यादव कांस्टेबल मनोज कुमार तथा प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल तुफैल अहमद हेड कांस्टेबल नागेंद्र यादव कांस्टेबल दीपक यादव मनु सिंह सुनील कन्नौजिया आदि शामिल रहे। डॉक्टर अनिल कुमार पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा सख्त चेकिंग और बाकी शंकागत संदिग्ध लोगों की जांच के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में थाना औराई की टीम और शॉट की टीम ये लोग लगातार सख्त चेकिंग सघन चेकिंग अभियान चला रहे हैं। कल 27 और 28 की रात में मुखबिर की सूचना के आधार पर चेतगंज खमरिया जो मार्ग है उसमें नाले के पास में कोई कार संदिग्ध दिखने की संभावना हुई और जिसकी जाँच की गई तो उसकी डिग्गी से कुछ 15 किलो गांजा और 1,52,000 रुपये, क्योंकि इस गाड़ी में 4 लोग बैठे हुए थे, सौरभ चौबे अनिल वाल्मीकि अरुण तिवारी और ऋतिक उपाध्याय, ये बरामद हुआ। पूछताछ के क्रम में जानकारी हुई जब उसकी पहचान की गई सौरभ चौबे की, तो सौरभ चौबे के ऊपर पहले से 8 मुकदमे हैं और ये आपराधिक किस्म का व्यक्ति है और भी जो मुकदमे हैं जिनकी जाँच की जा रही है बाकी आरोपियों की, और ये मामला सामने आया था। क्या जानकारी मिली है इन लोगों ने? पूछताछ में बताया है कि उड़ीसा प्रांत से ये सस्ते दाम पर गांजा खरीदते हैं और आसपास के जनपदों में इनका विक्री करने का काम होता है। चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।